नमस्कार, न्यूज अब तक से मैं वरुण शर्मा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वेबसाइट को लॉगिन कीजिए और गूगल प्ले ऐप से हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। आज की खबर धर्म से जुड़ी हुई है, इसको लोग अंधविश्वास से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जो हमने देखा, जो हमने पाया, हम उसी को बता रहे हैं। निश्चित रूप से धर्म में शक्ति है। यदि कोई धर्म से जुड़कर सच्चे मन से भक्ति करता है तो निश्चित रूप से उसे शक्ति और सिद्धि मिलती है। इसी का अनूठा उदाहरण है पूजा दीदी, जिनको लोग अब पूजा दीदी सरकार के नाम से जानते हैं। सरकार शब्द उनकी सिद्धियों की वजह से उनके भक्तों ने लगाया है। पूजा दीदी सभी धर्मों को मानती हैं, इसी वजह से उनके दरबार में हिंदू आस्था से जुड़े देवी देवताओं के अलावा कुरान भी रखी हुई है। उनका कहना है सब धर्म का एक ही संदेश है और मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं शिव की भक्ति हूँ और बचपन से ही भोलेनाथ की शक्ति और भक्ति मुझे मिली हुई है और इसीलिए से मैं शिव भक्त के रूप में लोगों के बीच उनका कल्याण करने के लिए दरबार में बैठती हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव। जब मैं आज भोले बाबा की पूजा करने गई दरबार में तो 8 बजे सुबह है तो देखा तो शिवलिंग का पूरा रूप बदला हुआ था, काले थे भोले शंकर। और यही रूप मुझे शिवरात्रि को देखने को मिला था, महाशिवरात्रि को, और आज अष्टमी के दिन देखने को मिला, एकदम शिव काले हो गए हैं। और एक भैया आए हैं, वो भी दर्शन किए हैं, कुछ लोग और दर्शन किए हैं, सबने कहा काले हो गए। पंकज शास्त्री जी ने दर्शन किया है, उन्होंने भी कहा कि दीदी सरकार आज अद्भुत है, भोले बाबा ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा था। जबकि वो 7-8 साल से दरबार में पंकज शास्त्री जी पूजा करा रहे हैं, तो उन्होंने भी दर्शन किया तो काफ़ी खुश रहे, बोले ऐसा रूप देखने को नहीं मिला, आज अद्भुत है भोले बाबा का रूप। और आज शिव पूरी तरह से काले हैं मेरे भोले बाबा, जबकि मैं बचपन से चोरी की थी इनकी, और जितनी शिवलिंग है सब चोरी की है। 5 साल की उम्र से मैं शिव की पूजा कर रही हूँ और 7 साल की उम्र में अजमेर चली गई थी, इसलिए सरकार ख्वाजा साहब को भी मानती हूँ, पर मेरे इष्ट गौरी शंकर गणेश शिव है। जय श्री राम, हर हर महादेव। जहाँ पाप है, पुण्य है, धर्म है, अंधविश्वास है, भारत हमारा विविधताओं का देश है, जहाँ धार्मिक विविधताएं भी हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही रहता है, आस्था। हम बता दें कि पूजा दीदी सरकार बचपन से ही भगवान शिव की भक्त हैं और हजारों लोग इस दरबार से लाभ ले चुके हैं। यहाँ पर पीड़ित दीन दुखी आते हैं और उनको निश्चित आराम मिलता है। न्यूज अब तक की टीम ने भी उनके दरबार में हाजिरी लगाई और देखा कि खाली पात्र में प्रसाद आना, लोगों का तत्काल पथरी का दर्द या अन्य कोई बीमारी में तत्काल लाभ होना, ये न्यूज अब तक की टीम ने भी वहाँ पर देखा है। निश्चित रूप से पूजा दीदी सिर्फ भक्ति पूजा पाठ ही करती हैं, ना कि कोई तंत्र मंत्र। उनको सिद्धि हासिल है। और एक चमत्कार और हुआ कि उनके दरबार में स्थापित शिवलिंग का अचानक रंग बदल गया, क्योंकि बहुत सारे भक्तों ने पहले भी दरबार की फ़ोटो खींची है, वो फ़ोटो और उसके बाद जिस तरीके से सप्तमी अष्टमी को भगवान भोलेनाथ का आकार और रंग बदला, उससे भक्त अचंभित रह गए। पूजा दीदी कहती हैं कि ये सिर्फ भोलेनाथ की कृपा है और इन्हीं की शक्ति की वजह से मैं लोगों का कल्याण कर पाती हूँ। निश्चित रूप से न्यूज अब तक की टीम ने भी वहाँ पर चमत्कार देखे हैं। हालांकि कई लोग जो नास्तिक हैं इसको अंधविश्वास से जोड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भगवान में आस्था और विश्वास है वहाँ पर लोग इस चमत्कार को मानते हैं। न्यूज अब तक की विशेष रिपोर्ट, मैं न्यूज अब तक से वरुण शर्मा।